नमस्कार दोस्तों, मैं निक्की ठाकुर, आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान टुडे। द हिंदुस्तान टुडे में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जिस एप्लीकेशन ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक को भी भारत में डाउनलोडिंग के मामले में पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस एप्लीकेशन के बारे में जो एप्लीकेशन भारत में काफ़ी तेज़ी से डाउनलोड किया जा रहा है। हालांकि लॉकडाउन के चलते काफ़ी सारे बिजनेस और भारतीय अर्थव्यवस्था पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। इस कारण से आधे से ज़्यादा दफ्तरों और कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दिया गया है, जिसके चलते एक ऐसा एप्लीकेशन जो भारत में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जा रहा है, उस एप्लीकेशन का नाम है Zoom ऐप। यह एक ऐसा क्लाउड कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन है जिस एप्लीकेशन में आप एक यूजर से लेकर 100 यूज़र्स एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं और मीटिंग के माध्यम से एक दूसरे के बारे में जानकारी ले सकते हैं और बिजनेस से संबंधित सारी कार्य इसके माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। लेकिन क्या ये सेफ़ है? इस वीडियो में आपको पूरी तरह से बताऊंगा क्या यह सेफ़ है, कि आपका जो डाटा है वो सुरक्षित है क्या इस जगह पे, क्या इसका इस्तेमाल करना सही है या इसका इस्तेमाल करना गलत है। इस वीडियो में आपको पूरी तरह से बताऊंगा। इस वीडियो को देखते रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लॉकडाउन के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बंद हो चुकी है, कोई भी व्यापार नहीं किया जा रहा है, तो आधे से ज़्यादा कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दिया गया है, जिसमें जूम एप्लीकेशन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिसके माध्यम से स्कूल क्लासेस से लेकर पढ़ाई से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं वो ऑनलाइन किए जा रहे हैं। व्यापार से संबंधित आधे से ज़्यादा मीटिंग्स जो हैं वो ऑनलाइन की जा रही हैं और बहुत सारे कार्य इसके माध्यम से किए जा रहे हैं, जिसमें इस एप्लीकेशन के माध्यम से एक व्यक्ति से लेकर 100 व्यक्ति इससे आसानी से जुड़ सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके पहले जब नोटबंदी की गई थी, उस समय एक एप्लीकेशन ऐसा था जिसको काफ़ी फ़ायदा हुआ था यूज़र्स में और बिजनेस में बहुत फ़ायदा किया गया था। वो एप्लीकेशन था पेटीएम। पेटीएम ने काफ़ी कमाई की थी उसके ज़रिए नोटबंदी के तहत। इसी प्रकार से जूम एप्लीकेशन एक ऐसा एप्लीकेशन बन चुका है जो भारत में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से डाउनलोड किया गया है। और 2019 में इसकी जो यूज़र्स थे इसके यूज़र्स की संख्या 1 करोड़ थी, और 2020 में अभी तक इसके यूज़र्स की जो संख्या है वो संख्या 20 करोड़ हो चुकी है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना तेज़ी से वायरल हुआ है। लेकिन राष्ट्रीय केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा इस पर एक याचिका जाहिर की गई है, जिसमें बताया गया है कि जूम एप्लीकेशन में मीटिंग के दौरान हैकर्स हमला कर सकते हैं, आपका बहुमूल्य जो डाटा है वो चोरी कर सकते हैं। तो ये बहुत चिंताजनक बात थी। इस बात के चलते हुए काफ़ी जांच पड़ताल की गई और उसमें बताया गया कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आपको इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको कुछ सावधानी के तरीके आप यूज़ कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय नोडल एजेंसी ने कुछ चरण दिए हैं इसको यूज़ करने के लिए। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप इनको यूज़ कर सकते हैं। पहला पॉइंट ये रहेगा कि इसके अपडेट को आप बार बार रिफ्रेश करते रहें और इसको उपयोग करने के लिए एक मजबूत पासवर्ड तैयार करें। हर मीटिंग के लिए एक नया पासवर्ड बनाएं और मीटिंग के दौरान इसका जो वेटिंग फीचर है उसको आप अनेबल कर दें, जिससे कोई भी व्यक्ति अगर आपकी मीटिंग में जुड़ना चाहता है तो आपके जो मैनेजर्स हैं उनकी अनुमति के बिना वो आपकी मीटिंग में आपसे ना जुड़ सके। ये महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखें इसका, और ये सेव है एक तरीके से। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिंगापुर, ताइवान, जर्मनी जैसे देशों ने भी जूम एप्लीकेशन को असुरक्षित बताया है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक इंटरव्यू में जूम एप्लीकेशन के जो फाउंडर हैं एरी क्यूआन ने बताया है, और उन्होंने जो भी असुविधा हुई है उस असुविधा को देखते हुए माफ़ी जाहिर की है, माफ़ी मांगी है। और उन्होंने बताया है कि इस पे जो भी सिक्योरिटी से संबंधित असुविधाएँ हो रही हैं उन असुविधाओं को आने वाले 3 महीनों में पूरी तरह से हल कर दिया जाएगा और आप इसका बेहतर तरीके से यूज़ कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।